separado de Torá por um tempo para fazer um zuzu. Thank you. YouTube channel do Mara, YouTube do Mara, por nao ye. मां न्यूज चैनल है, इन लोग ये हैंडलिंग करते हैं। पहली बार है यार इंटरव्यू मैंने लाइव। थैंक यू। दे हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है और एक नए ब्लॉग्स में सभी को गुड मॉर्निंग। तो कल का ब्लॉग में देखा होगा, इतना सारा एंजॉय किया है हम लोग। और सुबह सुबह उठ के बापू को स्कूल छोड़ने गया है मन का पप्पा, और इतना हल्ला कर रही है। उस बार जो है मशीन से घास पार रही है, इसीलिए जोर जोर से हल्ला हो रही है। तो अभी दोपहर का वक्त है खाली। हम लोगों ने मप्पू का मामी थोड़ा बहुत ब्लॉग सुबह बनाया, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि कंटिन्यू नहीं था। तो एक्चुअली अचानक मेरे को फ़ोन आया है कि, और एक मनोरंजन भाई ने मेरे को फ़ोन करा है कि आपके पास भाई लोग आ रहा है, दो भाई लोग न्यूज़ चैनल वाला, लोकल न्यूज़ चैनल है हम लोग का, खास का है, चकमा का है शायद। मेरा हिंदी ऑडियंस बोलने से भी तो कुछ मतलब, अगर चैनल वगैरह लिंक में दे दूंगा मैं, लेकिन मेरा जितना भी ऑडियंस है जो जिसको चकमा पता नहीं है उन लोग को तो समझ में नहीं आएगा, जो चकमा पता है उन लोग को समझ में आएगा। तो न्यूज़ वाला लोग आ रहा है बोल रहा है मनोरंजन भाई, तो अभी तक पहुंचा नहीं, देखते हैं। मैं इन लोग को वेट करा, बापू का मामी भी किधर गया मालूम नहीं, मैं नीचे में गया था थोड़ा खेलने के लिए, उसके बाद मनोरंजन भाई फ़ोन कर रहा है आपके पास दो बंदा आ रहा है बोल के। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, कब तक आता है देखते हैं दोस्तों। आज तो मेरा छुट्टी है, बापू का मामी फ़ोन भी छोड़ के गया, ऊपर में है कि नहीं कहाँ। तो दोस्तों एक्चुअली मैं वेट कर रहा था ना भाई लोगों, कब से पहुँच गया है भाई लोग यहाँ पे देखिए। और एक्चुअली इन लोग का अपना जो चकमा न्यूज़ चैनल है, इन लोग ये हैंडलिंग करते हैं, और मैं इन लोग को थैंक बोलना चाहूँगा। और मेरे को पहली बार है यार इंटरव्यू, मैंने लाइव में एक बार भी ऐसे इंटरव्यू नहीं दिया मैंने। एक कैमरा में तो बात करता हूँ और देखता हूँ आप लोगों ने, लेकिन बहुत बढ़िया करके दिया है मैंने इंटरव्यू। और भाई को थैंक बोलना चाहूँगा, थैंक यू दे, और भाई भी, और इतना दूर से आया चौंकटई से, और वो भी कालापानी से हम लोग का नीचे में जो है, और हम लोग का इंटरव्यू वगैरह हो सकता। अब लोग मैं थोड़ा बताऊंगा, वहाँ पे वॉइस वगैरह दे दूंगा मैं किस चीज़ के बारे में, थोड़ा थोड़ा मतलब लंबा होगा, तो वहाँ पे मैं हिंदी में वॉइस दे दूंगा मैं क्या बता रहा था और क्या क्वेश्चन वगैरह हो रहा था। तो लोग भी और आगे में मेरे को सपोर्ट करते रहना, क्योंकि मेरे को बहुत सारा काम करना है यार। इस ऐसा नहीं है कि मेरा अर्निंग हुआ कि मेरे लिए काम करूँ मैं, खुद के लिए फायदे के लिए करूँ। आगे इन फ्यूचर अगर मेरा कुछ यहाँ पे अच्छा खासा अर्निंग होता है तो मैं बहुत लोगों को भी हेल्प करना चाहता हूँ। और लास्ट में थैंक यू दे, थैंक यू दे। और मैं इन लोग का चैनल जो है, शायद आप लोगों को तो समझ में नहीं आएगा, जितना भी मेरा चकमा सब्सक्राइबर है शायद हो सकता है मेरा 15-20% चकमा सब्सक्राइबर। और चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पेज जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं, और वहाँ पे जाके आप लोग देख लेना। तो यहाँ से शुरुआत होता है मेरा इंटरव्यू भाई। तो लाइफ में मैं पहली बार ऐसे इंटरव्यू दिया है भाई। मैं ब्लॉग तो बनाता हूँ, मोबाइल में बात करता हूँ, लेकिन ऐसे इंटरव्यू सामने लोगों का सामने एक बार भी मैंने दिया माइक के सामने, तो मैं थोड़ा नर्वस भी फील कर रहा था। कोई बात नहीं, फिर भी मैं इतना जो भी बोलता है ना नर्वस, इतना जल्दी नहीं होता हूँ मैं हंस रहा था यार। और ये भाई ने बोल रहा है, पहले मेरे बारे में बता रहा था उन ऑडियंस को, उन लोग का ऑडियंस को, कि ये भाई जो है एक मटरेसरा बोल के गाँव है, तो गाँव में ही रहता है ये, और गाँव में होके और कोने में रहता है, कोने में होके ये अपना जो लाइफ स्टाइल जो है यूट्यूब में जो शेयर करता है डेली एक्टिविटीज़, वो सब बहुत अच्छा लगता है। इवन मैं भी उसका फॉलोअर हूँ बोल रहा है, मैं भी उसका ब्लॉग देख के बहुत अच्छा लगता है। अभी कुछ पूछेंगे भाई से बोल रहा था, पहले तो मेरा इंटरव्यू पूछ रहा था आपका नाम क्या है, मैंने बोला मेरा नाम निगरे चकमा है, सब लोग मुझे निगरे से जानते हैं। उसके बाद मैंने बोला, तो इसने बोला था आपका मेन मोटिव क्या है जो चैनल खोलना, कैसे आइडिया आया ऐसे। तो मैंने बोला भाई मैं तो पहले से मेरे को शौक़ था कि मैं ब्लॉग डालूँ यूट्यूब में, ब्लॉग डालूँ बोल के। फिर उसके बाद मैंने 2009 में खोलूँगा से उसके जो कोविड आया था ना, उस टाइम खोलूँगा से उसके 2 साल ही मैंने सोच के बिता दिया। तो उस टाइम 2019 में अगर खुलता तो मैं मेरा चैनल और भी थोड़ा ग्रो कर पाता, अभी अच्छा खासा मेरा फॉलोअर भी होता, सब्सक्राइबर भी होता, मैं ये बता रहा था भाई को। और बहुत ही अच्छा लग रहा था भाई इंटरव्यू देने में। और इसने बता रहा था कि आपका मेन मोटिव क्या है आपका ये चैनल खोलना, पूछ रहा था। तो मैंने बोला भाई को कि मैं एक्चुअली मेरा लाइफ स्टाइल शेयर करने का बहुत शौक था मेरे को, क्योंकि मैं बहुत लोगों से इंस्पायर हूँ। मेरा हम लोग का जैसा कपूल भी था, तो उन लोग को देख देख के मेरे को भी बहुत मतलब शेयर करने का, यूट्यूब में डालने का मन था। एक्चुअली मैं पहले मालूम था मेरे को कि यूट्यूब में पैसा मिलता है वो के, लेकिन कितना मिलता है वो सब इतना आइडिया नहीं था मेरे पास। तो मेरे को ज़्यादातर पैसा से ज़्यादा उस टाइम मेरे को फेमस होना चाहता था मैं,
कि लोग मुझे पहचाने, अगर दूसरा गांव में जाऊँ, दूर दूर जाऊँ कि हाँ ये तो पुलोना भाई है, ये सब मेरे को लोग पहचाने देख के, दूर से देख के, तो यही बता रहा था भाई को पूरा मेरा हिस्ट्री, मेरे को किस मोटिव में उसने पूछा था ना, मोटिव क्या था आपका, मेरा मोटिव मकसद यही था कि मेरा लाइफ स्टाइल मैं शेयर करूँ, मैं फेमस हो जाऊँ। पैसा तो उस टाइम इतना नहीं सोचा था मैंने, लेकिन मेरे को पता था कि यूट्यूब में इनकम होता है, बट मेरे को कोई आइडिया नहीं था कितना इनकम होता है यूट्यूब से। तो मैंने खाली मेरे को फेम मिलना था, मतलब कि मैं यूट्यूब में वीडियो डालूंगा फिर उसके बाद मेरे को लोग पहचान जाएगा, वही सबसे ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था, और मेरा बीवी का भी यही इंटरेस्ट था। फिर धीरे धीरे करते 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 मालूम चला मोनेटाइज होने के बाद ही पैसा मिलते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ है भाई, अगर आप लोग ना करते करते 2-3 साल कर रहे ना, उसमें पैसा नहीं आएगा तो थोड़ा करने का मन ही नहीं कर रहा है ना। तो इसलिए मैंने सोचा बाद में हाँ इसमें भी अच्छा खासा इनकम कर सकता है। बाद में मैंने फिर वीडियो अच्छा से बनाना स्टार्ट किया, थोड़ा कंटेंट को चेंज किया, उसके बाद मेरा 3 महीने के बाद ही एक वीडियो वायरल गया भाई, और आप लोग शायद मेरा चैनल में चेक कर सकते हो, 1.5 लाख गया था वो मेरा व्यूज़, और 3 महीने वही वीडियो से मैंने पूरा मेरा चैनल मोनेटाइजेशन किया। मोनेटाइजेशन करने के बाद फिर उसमें ही मेरा सब कुछ हो गया, $10 हो गया, मेरा फीन भी आ गया था। फिर थोड़ा पेमेंट मिलने के लिए मेरे को थोड़ा लेट लगा, 1.5 साल लगा लगभग 5 पेमेंट मिलने के लिए। उसके बाद पेमेंट मिलने के बाद मेरे को अभी मिल रहा है मेरे को। और भाई मेरे को पूछ रहा है कि अगर हम लोग यूट्यूब में काम करें, सोशल मीडिया में काम करें, कि आप क्या सोचते हो कि हम लोग का लाइफ सेटल हो सकता है क्या? तो मैंने बोला ऑब्वियसली क्यों नहीं सेटल हो सकता है, लोग कितना आजकल आप लोग YouTube में देखता होगा। हाँ मैं मानता हूँ वो सब कोई मतलब रियलिटी भी नहीं होता है, फिर भी 80% 75% तो रियल होते हैं भाई, जो भी YouTube में पैसा कमा रहे ना, जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर नहीं सकते उससे भी 2-3 गुना लोग कमाता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया में भी लोग बहुत मतलब लाइफ सेटल किया है, हम लोग भी अगर दिल से चाहते तो हम लोग लाइफ सेटल कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है अपना ऊपर कि हम लोग कैसे काम कर रहा है, क्या कैसे कंटेंट बना रहा है, उसका ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि खाली मैं ब्लॉग बनाऊं, और दूसरा कैटेगरी में भी बहुत सारा बना सकता है, जैसे कि टेक्निकल का, जैसे कि जो भी कॉमेडी का, सब इतना पूरा कैटेगरी पड़ा हुआ है। तो उस सब में भी हम लोग यूट्यूब में डाल के और अच्छा खासा अर्निंग कर सकता है। तो वही बोल रहा हूँ मैं, कोई भी इन फ्यूचर आना चाहता है तो ज़रूर आ सकते हैं, यूट्यूब में फेसबुक पेज में खुल सकता है मैं बोल रहा हूँ, लेकिन डिपेंड करेगा वो कैसे काम कर रहा है। हार्डवर्क तो करना पड़ता है, किधर भी जाए पैसा आसानी से नहीं मिलता है भाई, बहुत हार्ड करना पड़ता है। जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, किसी भी तरह काम कर रहे हो आप लोग, और आप लोग को पता होगा कि किस कौन किस तरह से पैसा कमा रहे हैं, मेहनत कितना लगता है, तो इसमें भी मेहनत है। ऐसा नहीं है कि फ्री में खाली मोबाइल उठाया, अपने ब्लॉग बनाया तो ऐसे ही डाल दिया, तो सब नहीं चलेगा, क्योंकि किसी के पास आपका लाइफस्टाइल देखने के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, आपका पास भी नहीं है। तो वही बता रहा था मैं भाई को, वही समझा रहा था। और भाई अभी मेरे को पूछ रहा है कि अभी मैं आपको और जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए अभी आपका बात लोगों को पास पहुँचा है, लोग देख रहे हो, आपको देख के मोटिवेट होके अगर आ रहा है मोबाइल पकड़ के ब्लॉग वगैरह बना रहे, और यूट्यूब चलाना और फेसबुक पेज चलाना, उसका गाइडलाइन और कंटेंट कैसे बनाना है, कब तब जाके लोगों को मतलब कैसे ग्रो होगा यूट्यूब में, ये सब बता रहा है, ये सब पूछ रहा है भाई ने। तो मैंने बोला मेरे पास भी तो इतना आइडिया नहीं कि नहीं है कि अभी यूट्यूब में दुनिया भर का वीडियो पड़ा होता है कि कैसे यूट्यूब में ग्रो करें, कैसे फेसबुक में पैसा कमाए, फेसबुक पेज में, वो सब देखने से ही मालूम चलता है मतलब कैसे ग्रो होता है। ऐसा नहीं है कि खाली अपने पहले में बता रहा था मोबाइल उठाया उसके बाद आप ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, मैं ये खा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, खाली उसमें से नहीं होता है, क्योंकि एक प्रॉपर ब्लॉग होना चाहिए आपका, जो कि लोगों को देख के हाँ अच्छा लगे, इसमें कुछ हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो इसका वीडियो देख के तो ऑडियंस को ये सब मतलब अट्रैक्ट होना चाहिए, उन लोग को मतलब थंबनेल में भी प्रॉपर लगाना है, फिर ऑडियंस लोग आपके पास आएगा। और एक बात पूछ रहा है भाई ने कि बोल रहा है आप तो आपका पास तो बहुत बाहर से आदमी आते हैं, बहुत सारा लोग आते हैं, कि उन लोग का एक्सपीरियंस कैसा है, आपने कुछ पकड़ा उसमें से? तो मैंने बोला ऑब्वियसली मैंने उन लोगों से बहुत सीखा है और बहुत जाना है, क्योंकि वो लोग भी यहाँ पे हम लोग का इधर आते हैं कि
कुछ ना कुछ वहाँ पे जाके मैं भी सीखूंगा, देखने के लिए नया देखने के लिए मिलेगा, और हम लोग भी उससे सीखते हैं और लोग भी हम लोग के सीख के जाते हैं। तो स्पेशली मैं एक ही एग्जांपल दिया है उसको, मैं एक ही बात बताऊंगा कि और बाहर से जो लोग आते हैं ना, तो स्पेशली जो सब यूट्यूबर ही होते हैं और यूट्यूबर लोग जो मेरे को एक चीज़ बताया सोशल मीडिया के बारे में, सोशल मीडिया जो हैट होते हैं, जो कि गलत कमेंट करते हैं, बैड कमेंट करते हैं और जो अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं, ये जो है तो है सोशल मीडिया का, ये खाली कुछ दिनों के लिए है। कुछ दिनों के लिए मतलब कल आपको हैट दिखाया कुछ लोगों ने, गलत कमेंट किया, परसों आपको अच्छा लगेगा। जैसे कि मेरे को पिछले बार आया था, देखा होगा आप लोगों ने, जो गुमक्कर इंडियन भाई और टिकलू भाई, और बहुत बढ़िया था दोनों, बहुत ही अच्छा था, और उन लोग का चीज़ें भी एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है, हम लोग का चीज़ भी एक्सपीरियंस लें। जैसे कि वो लोग बाहर में जब टिकलू भाई और ये आया था ना, जो टिकलू भाई को तो सब खाता था, और गुमक्कर इंडियन भाई जो है उसको भाई इतना अच्छा नहीं लगता था, तो परता से मतलब परता से उसको अच्छा लगता था, चना के साथ खाना, वो सब एक्सपीरियंस है। देखियो कि कोई कोई लोग हम लोग का गांव में जो मालूम नहीं चलता है कि मेरे को भी मालूम नहीं चल रहा है कि लोग बाहर में रोटी से भी रह सकता है बोल के, हम लोग को सुबह शाम रोज़ खाना खाते हैं, देखा हो। और भाई अभी आप मेरे को पूछ रहा है कि आप लोगों को तो पता है निगरे मीता ब्लॉग करके अभी कहाँ में उसने जगह बनाया है, यूएस में जगह बनाया है, बोलता ऐसे ही बोल रहा था मेरे बारे में, और बाद में ये लास्ट में पूछ रहा है कि अगर आप इन फ्यूचर आप यूट्यूब में सक्सेस होते हैं तो सक्सेस होने के बाद इन फ्यूचर आप समाज के लिए क्या करना चाहोगे और लोगों के लिए क्या करना चाहोगे, यही पूछ रहा था भाई ने। और मेरे को और कैसे हम लोग का समाज बदलाव ला सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं हम लोग, और ऐसे ही क्या कर सकते हैं हम लोग सब मिलके, ऐसा काम क्या कर सकते हैं जो कि हम लोग का समाज सुधर जाए और कुछ गांव में डेवलप हो जाए, गांव-गांव में डेवलप हो जाए, ये बात मेरे को पूछ रहा था भाई। और नया जनरेशन कैसे हम लोग नया जनरेशन क्या शिक्षा दे सकते हैं और कैसे हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं नया जनरेशन को, तो इसे पूछ रहा था। मैं बोल रहा हूँ कि समाज तो एक दो आदमी बदल नहीं सकते और इतना जल्दी भी बदल नहीं सकते हम समाज को। अभी जो गंदा है समाज में, जो भी जो गंदा गंदा चीज़ें होता है, गंदा मतलब वो जो खेल का और दारू पीना ये सब वगैरह, हम लोग इतना आसानी से इसको हम लोग ठीक कर नहीं सकता है। अगर ऐसा ठीक करना है ना, जो नया जनरेशन हम लोग को जो सबसे ज़्यादा मास इम्पोर्टेंट होगा, और एजुकेशन चाहिए, और पढ़ाई से ही सब कुछ चेंज कर सकता है, और एजुकेशन होने के बाद भी, और गांव में एक्चुअली लोगों का माइंडसेट बहुत ही गलत है, गलत मतलब जो पुराना जो माइंडसेट में बैठा हुआ है ना, उन लोग का माइंडसेट अलग है, हम लोग का नया जनरेशन का अलग है। तो कोई भी चीज़ें करने से पहले गांव में, हर गांव में अभी मुखिया होते हैं, तो मुखिया को भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग देखना करके बनाना पड़ेगा मुखिया को, क्योंकि नया जनरेशन होते जो पढ़ाई लिखाई हो, जो अच्छा खासा पढ़ाई किया है उसने, जो कि लोग समाज के लिए कौन सा गलत है कौन सा सही है वो सब उसको मालूम हो, फिर उसके बाद और लोगों को पास उसको उसके ऊपर और लोगों के ऊपर उसका दया हो और काइंडनेस हो, वो सब देखना पड़ेगा पहली बात तो। और पुराना जनरेशन अगर हम लोग मुखिया बनाएंगे ना, जो वैसे हम लोग का यंग सकमाइजेशन जो काम करता है, उसमें भी अच्छा अच्छा आदमी होना पड़ेगा जो कि समाज के लिए काम करेगा। तो अगर पुराना जनरेशन हम लोग बनाएंगे ना, तो पुराना जनरेशन में और नया जनरेशन में बहुत डिफरेंस होता है। तो इसी कारण अगर हम लोग समाज चेंज करना चाहते हैं ना, तो समाज के लिए हम लोग नया जनरेशन लाना पड़ेगा, और उसके बाद जो पढ़ाई लिखाई मोस्ट इम्पोर्टेंट एजुकेशन होना ज़रूरी है सब लोग, क्योंकि एजुकेशन से ही, अगर मान लीजिए भैया अभी प्राइमरी टीचर कर रहा हूँ, कोई भी ऐसे गलत चीज़ें मैं करने के लिए थोड़ा मेरे को शर्म आएगा, चाहे मैं जिधर भी रहूँ, चाहे गांव में रहूँ चाहे शहर में रहूँ मैं, तो मेरे को वो सब चीज़ें मायने रखते हैं, मतलब जो भी, इसलिए समाज चेंज करने के लिए मैं भी नहीं कर सकता हूँ अकेला, और आप लोग भी नहीं कर सकते हो, सब मिलके जो कि नया जनरेशन जो वो सब मिलके हम लोग आराम से समाज को धीरे 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 बदल सकते हैं। और मैं एक बात बता रहा था भाई को कि पॉलिटिक्स जो है ना, सबसे ज़्यादा घटिया समाज को ही घटिया बनाते हैं, कचरा बनाते हैं, और भाई बहन का रिश्ते भी तोड़ते हैं, ये पॉलिटिक्स जो है, ये सब जो है, जब पॉलिटिक्स लोगों का माइंड में होगा, जो बंदा पॉलिटिक्स करेगा वो समाज कभी भी नहीं सुधरेगा, क्योंकि उसमें रहता है मैं कांग्रेस हूँ, मैं बीजेपी हूँ, मैं तो आम आदमी पार्टी हूँ, ये सब सोचे जो है ना, ये सब पॉलिटिक्स में बहुत ही कचरा फैला हुआ रखा है लोगों का माइंड में। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले उसको भी दिल से हटाना पड़ेगा, दिल से हटाने के बाद ही
सब कुछ बदल सकते हैं आस्ते आस्ते धीरे धीरे, वो भी इतना जल्दी नहीं। और जब पॉलिटिक्स दिल से चला जाएगा तो समाज को भी बदल सकते हैं हम। तो इतना था कि इंटरव्यू था भाई, और अभी भाई मेरे को बता रहा है कि थैंक यू जना रहा है इतना कीमती समय में हम लोग का साथ देने के लिए, इतना आपका कीमती समय शुक्रिया अदा कर रहा है मेरे को। और बोलता है जो बात बताया था निग्रह भाई ने सब वो सही था कि, और समाज चेंज करने के लिए जो गांव में मुखिया होते हैं उन लोगों को भी सही होना पड़ेगा, नया जनरेशन लाना पड़ेगा। मैं भी चेंज कर नहीं सकता, वो आप भी चेंज नहीं कर सकते अकेला। तो यही बात मेरे को बोल रहा था भाई ने। फिर उसके बाद लास्ट में मेरे को बोलता है थैंक यू, और मैंने भी बोला मोस्ट वेलकम, आपको भी थैंक यू इतना तकलीफ के आने के लिए। और इतना तक इंटरव्यू था भाई, बाय बाय। तो भाई एक्चुअली मैंने घर में नीचे गया था, घर में पहुंचा है बप्पू को लाने गया था, नीचे में गया था, नीचे में खाना खाया, और मेरे को तो आज इंटरव्यू लेके वो लोग चला गया है। और एक्चुअली बहुत लंबा इंटरव्यू लिया है उन लोगों ने, और मैं उसमें बहस वार करूँगा। तो हम लोग देख लिया होगा सेट, तो एकदम रात हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और कैसा लगा ब्लॉग तो नहीं है आज थोड़ा इतना लंबा नहीं है जो ब्लॉग जो है वीडियो जो है, और खाली उन लोग इंटरव्यू लेने के लिए आता ना तो वही दिखाया। वो लोग पूछ रहा था कि हम लोग का जो समाज के बारे में सोसाइटी कैसे ग्रो होगा, हम लोग का कैसे लोगों फ्रॉड वगैरह जो होता है गांव-गांव में वो कैसे होगा, मतलब कैसे ये करेंगे वो सब।